हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं अपनी कार की फ़र्स्ट सर्विस करवाने, जो कि चल चुकी है 1500 किलोमीटर्स। तो जो फर्स्ट सर्विस थी वो वही 1000-2000 किलोमीटर के बीच में, या फिर जो भी 2 महीने पहले जो भी हो जाएं। तो 2 महीने भी होने वाले हैं और 1500 किलोमीटर चल चुकी है, तो आज चल के देखते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा क्योंकि जनरल इंस्पेक्शन है और फर्स्ट सर्विस है, बट इसमें मुझे जो लगता है कि थोड़ा अलाइनमेंट इशू आ रहा है। मुझे स्टेयरिंग व्हील थोड़ा लेफ्ट की साइड जा रहा है, या तो नई कार है, वहम हो रहा है, या फिर वो वाकई में ही जा रहा है। तो वहाँ चल के एक बार उनसे पूछ लेंगे, वो चेक करके बताएंगे। और दूसरी चीज़ थी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेकर, क्योंकि XT प्लस वेरियंट है और रिसेंटली अभी मतलब ये फर्स्ट XT प्लस वेरियंट है जिसमें हारमन की न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन आई है। तो इसमें क्या था कि इसमें अभी तक जो फर्स्ट बैच की कार्स थी उसमें एंड्रॉयड ऑटो था, एप्पल कार प्ले नहीं था। तो मुझे थोड़े दिन पहले कॉल आई थी सर्विस सेंटर से कि इसका अपडेट आया हुआ है, आके अपडेट करवा लो। तो आज उसको भी अपडेट करवा लेंगे, क्या पता एप्पल कार प्ले आ जाए। तो अगर आ जाए तो यार बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी एज सच मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही है। माइलेज वगैरह ठीक है, सिटी में माइल्ड ट्रैफिक में ये मुझे 10 से 12 की एवरेज दे रही है नॉर्मल मोड पे एसी के साथ, और हाईवे पे वही अपना 16-18 की एवरेज दे रही है। तो बाकी सेकंड सर्विस के बाद देखते हैं कि एवरेज जो है इसकी वो इंक्रीज़ होती है या फिर उतनी रहती है। उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे, और बाकी वहाँ चलकर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। आई होप कम ही टाइम लगे। लेट्स गो। और रेडी हो गए हैं, बाल बुल सेट कर लेते हैं। ओके, रिपोर्ट है, चलो चलते हैं। गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं जोशी टाटा के सर्विस सेंटर, एंड देखते हैं मे बी डेफ डालेंगे ये लोग। अभी बात हुई थी 5 लीटर डेफ डलेगा, अलाइनमेंट चेक करेंगे। तो कार जो है हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है। बाकी फर्स्ट सर्विस में मेजर ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इंस्पेक्शन होगी, देन वॉशिंग होगी, एंड उसके बाद हम जा सकते हैं। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेनली जो बिल बनेगा वो डेफ का बनेगा, एंड लेट्स सी अलाइनमेंट का क्या इशू है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि स्टेयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड को जा रहा था, बाकी देखने के बाद पता चलेगा। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, फाइनली सर्विस करवा के हम लोग निकल चुके हैं और घर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें परमिशन नहीं मिली वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उससे पहले ही परमिशन लेने की ट्राई करेंगे, अगर परमिशन मिल जाती है। बाकी जो हमारा मेन पर्पस था, जो सर्विस थी, वो सब हो चुका है। 2 से 2.5 घंटे लगे मतलब पूरे काम में, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई एंट्री की। और जो स्टाफ था वो बहुत बढ़िया था, प्रोफेशनल था। और जो मैं आपको अलाइनमेंट इशू कह रहा था वो वाकई में ही थोड़ा सा इशू था, जो स्टेयरिंग था वो लेफ्ट साइड को जा रहा था, तो वो उन्होंने चेक करने के बाद रिजॉल्व कर दिया। और दूसरी चीज़, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम था वो भी अपडेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है आपको एप्पल कार प्ले देखने को मिलता है। पहले जो इसमें वर्जन था वो था R14.10, और अब चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन है। सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें जो करंट वर्जन शो हो रहा है वो हो रहा है R14.27। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया तो अपडेट करवा लो, क्योंकि इसमें एक जो मेजर अपडेट था वो था एप्पल कार प्ले। तो इसमें आपको एप्पल कार प्ले देखने को मिलता है। और इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, फ़ोन सेटिंग्स, पोपाए, स्विच टू ब्लूटूथ, ठीक है, ये मेरे जो फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो आप देख ही सकते हो इसमें आपको एप्पल कार प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल सेम है जैसा आता है। और इसका जो यूआई है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आप देख ही सकते हो यार, मतलब एकदम ब्राइट है। मतलब यार ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास आईफोन ही है और इसको मैंने पहले एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करके देखा था, तो सही चल रहा है। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल नॉट अवेलेबल, क्योंकि कार मैंने अभी ऑफ़ की हुई है, और अभी मैं म्यूज़िक भी नहीं प्ले कर सकता क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। तो अगर आपने नहीं अपडेट करवाया अभी तक अपना इंफोटेनमेंट, तो आप भी अपडेट करवा लो, क्योंकि इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
जो मुझे लगा उसमें ये था कि इसमें आपको यहाँ पे एक वीडियो प्लेयर, वीडियो डेमो, तो वीडियो प्लेयर मैंने अभी इसको यूएसबी नॉट कनेक्टेड, और इसमें आपको पुरानी वाली यूएसबी लगती है यहाँ पर, तो मुझे पुरानी वाली एप्पल की जो यूएसबी आती थी लाइटनिंग केबल वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद चेक करना पड़ेगा वीडियो डेमो। वीडियो डेमो में क्या है, ये वीडियोस हैं कुछ नेक्सॉन, टाटा पंच, W3W अबाउट वीडियो, तो वीडियो रन हो रही है, बट मुझे नहीं पता कि आईफोन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और तो देखते हैं कि आप यूएसबी के थ्रू इसमें वीडियो प्ले कर सकते हो या नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल कार प्ले यहाँ पे आ चुका है, पहले ये डिजेबल था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, बट अब आ रहा है, ये देख सकते हो मैप्स ओपन हो गए, तो यार बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसकी। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें जब डिलीवरी हो रही थी कार की, उस टाइम इसमें DEF जो डलता है वो उन्होंने 5 लीटर्स डाल के दिया था डिलीवरी से पहले, तो वो भी आज मैंने डलवा लिया है 5 लीटर। तो जो ओवरऑल आज कॉस्ट आई है वो सिर्फ DEF की आई है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस थी, फ्री थी, तो जो टोटल बिल आया वो आया है 620, तो 620 रुपये आया फर्स्ट सर्विस में, वो भी DEF का था, और जो इसमें अलाइनमेंट था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं था, सॉफ्टवेयर था वो भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सर्विस पर, नेक्स्ट सर्विस होगी इसकी 6,000 या 7,000 किलोमीटर के बीच में, या फिर 6 मंथ्स, तो देखते हैं तभी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यू कंटेंट लाने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।